सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझसे कैसे मिलोगे? और हाँ, घंटी जरूर दबाना। टडंग टडंग टडंग, आज का बजट बहुत बहुत कम है। हाय गाइस, आई एम प्रियंका और आज मैं करने वाली 24 आवर्स चैलेंज, जहाँ पे मैं खाने वाली हूँ दिन और रात, सुबह और शाम, सारा का सारा खाना सिर्फ 10 रुपए में। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का चैलेंज बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए सबसे पहले मैं आ गई हूँ गणपति जी के दर्शन करने और प्रेयर करने कि आज का चैलेंज जो है ना, मैं सक्सेसफुली पूरा कर पाऊँ। तो चलिए भाई, चल के पहले दर्शन करते हैं, मास्क लगा लें, भीड़ बहुत है। आइए आइए। यू वोंट बिलीव गाइस, गणपति जी ने मेरी सुन लिया, मेरा ब्रेकफास्ट सॉर्टेड हो गया। पता कैसे? ये देखो, पंडित जी ने दिया है मुझे ये बड़ा सारा लड्डू प्रसाद में, देख रहे हो? ओ माय गॉड, बहुत बड़ा है भाई। प्रसाद सचमुच बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। इट्स लंच टाइम गाइस, और लंच खाने के लिए ना मैंने इतनी देर से यहाँ पे मशक्कत कर रही हूँ, बट कुछ भी मेरे बजट में नहीं आ रहा है। पानी पूरी, भेल पूरी, पाव भाजी, सब कुछ इतना ज़्यादा महंगा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। वैसे एक आइडिया है मेरे पास, चलिए देखते हैं कि मैं उसमें सक्सेसफुल होती हूँ या नहीं। अरे देखो देखो देखो, मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं आ गई हूँ अपने अंकल के फार्म हाउस पे, और यहाँ पे चारों तरफ लगी हुई है फ्रेश फ्रेश बहुत सारी सब्जी और तरकारी। वैसे अंकल ने बोला था बहुत सारी सब्जियाँ लगी है, तो देखो अब यहाँ पे ना मेरा लंच जो है सॉर्टेड हो जाएगा। यहाँ से निकालते हैं फ्रेश फ्रेश सब्जी और जरा खाते हैं। ये देखिए क्या क्या लगी है, आइए आइए। पुत्री ये क्या हुआ? इसमें तो गोभी नहीं है। अंकल तो हमें बोले थे कि बहुत सारी सब्जियां लगी है। लगी तो है बहुत सारी सब्जियां, पर चारों तरफ बस पत्ते ही पत्ते लगे हैं। चलिए आज दूसरी क्यारियां ढूंढते हैं किसमें हमें गोभी मिलती है और क्या क्या खाने को मिलता है, वो देखिए। अरे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, देखो बाबा रे बाबा, यहाँ पे ये वाली क्यारियों में ना बहुत सारी गोभी लगी। आइए दिखाइए, पास आइए जरा। ये देखिए गाइस, ये देख रहे हैं फ्रेश गोभी का फूल। आए हाय, इसी को तोड़ लूँ क्या? चलो इसको तोड़ती हूँ। कैसे तोड़ते हैं गोभी, ऐसे घुमा के क्या? अरे बाप रे, गड़बड़ ना हो जाएगा भैया, मुझे तो आती नहीं गोभी। गाइस मैंने तो कभी गोभी तोड़ी ही नहीं। कैसे पूरा ही निकाल लूँ क्या? इसी को खा लो। ये तो पूरा पेड़ निकाल दिया मैंने। वैसे एक गोभी में एक पेड़ में एक ही गोभी निकलती है क्या? चलो भैया मैं ऐसा करती हूँ, इसमें से गोभी ले लेती हूँ, पेड़ जो है वापस गाड़ देती हूँ। भाई ये डगमग डगमग रास्तों में मजा बढ़ा रहा है। और ये देखो यहाँ तो मूली लगी है। वैसे ये मूली कैसे निकलेगी? खेच दो पूरी की पूरी खेच दो। अच्छा अच्छा, कोशिश करती हूँ, अभी गड़बड़ नहीं करूंगी मैं। अरे बहुत बड़ी है मूली। Just look at the size. अरे बाप रे बाप, ये क्या गजब की मूली निकाली है। आज तो बड़ा मजा आने वाला। हाँ ये देखो, इतना बड़ा नींबू देखा है कभी आपने? वैसे मौसमी नहीं है ये नींबू, है कोई अलग वेराइटी का, मुझे नहीं पता। चलिए भाई अब बनाते हैं अपनी डिलिशियस सी सैलेड। आ जाओ। सो गाइस, बड़ी मेहनत करने के बाद मैंने तैयार कर ली अपनी सैलेड। ये देखिए देखिए, देख रहे हैं कितनी बढ़िया सुंदर डेकोरेट करी है ये बड़े वाले लेमन के साथ। चलो भाई अब इतनी मेहनत करी है, भूख भी तो लग रही है, जल्दी से खा लूँ। आह अरे ये तो सिर्फ मूली आई है। ये सैलेड बहुत ही बढ़िया, जो फ्रेश तरकारी होती है ना इतनी जूसी होती है कि सचमुच मज़ा आता है इनको खा के। अगर इसके ऊपर मैं वो MDH अंकल वालों का जो वो आता है ना चाट मसाला, वो डाल देती ना, तो आए हाय ये सैलेड ना एकदम लेवल ऊपर हो जाता इसका। बट मेरे बजट में नहीं है ना MDH, मैं क्या करूँ, मैं नहीं ले सकती उसको अभी। ओ नो, ये क्या हुआ?
मेरा लेमन गिर गया। चलो कोई बात नहीं, अब सैलेड खाती हूँ शराबत से। इट्स स्नैक टाइम गाइस, और अब भाई मैं घर आ गई हूँ क्योंकि बजट आज बहुत कम है ना। वैसे अंकल के फार्म हाउस में ना बड़ी सारी वेजिटेबल्स लगी थी, बड़ा मज़ा आया, बट यहाँ मेरे गार्डन में ना मुझे सिर्फ और सिर्फ घास ही घास दिख रही है। चलो भाई क्या करें क्या खाएं, एक फल का पेड़ है मेरे यहाँ, सीताफल। चलो भाई देखें सीताफल कोई लगे हैं या नहीं, कि या सारी गिलहरी ना उसको चट 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 करके खा गई। आइए आइए मैं दिखाती हूँ आपको सीताफल का पेड़। थोड़े बहुत सीताफल तो मुझे दिख रही है, देखो एक ऊपर लगा है, बट ये बहुत ज़्यादा ऊपर है, कैसे खाऊंगी। चलिए कोशिश करती हूँ उसको तोड़ने की। आई होप ये मुझसे टूट जाए। अरे बाबा रे बाबा, ओह छुरी से भी बड़ी दम लग रही है। ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या काट रही भैया, कटो कटो। ओहो ये तो सच्ची कच्चा है, पर ये थोड़ा सा खाती हूँ वैसे मैं, देखो कैसा है। गाइस ये बिल्कुल पीक है, बिल्कुल भी मीठा नहीं है। इतनी मेहनत करने के बाद ये कच्चा सीताफल मेरे हाथ लगा है, आई थिंक इसीलिए गिलहरियों ने ना इसको खाया नहीं। अरे यार कितनी इंटेलिजेंट है ना गिलहरिया, जब सीताफल पक जाता है ना इसी कवरिंग कवरिंग रह जाती है, अंदर का गुदा सारा का सारा गायब हो जाता है। चलो भाई यहाँ हमारा तो पोपट बन गया, हमको तो सीताफल भी नसीब नहीं हुआ। सो गाइस स्नैक टाइम में ना तो बहुत बुरा पोपट हो गया, बट डिनर के लिए मैं करने वाली हूँ कुछ धमाल, क्योंकि अभी भी मेरे पास बचे पूरे के पूरे 10 रुपए। डिनर में भूखी नहीं रहूँगी, खूब अच्छे अच्छे खाना खाऊंगी। तो देखो देखो वीडियो को आखिरी तक देखो कि क्या गजब होने वाला है। और वीडियो अच्छी लग रही तो करके रहो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करना, ओके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इट्स डिनर टाइम गाइस, और डिनर करने के लिए भाई मैं आ गई हूँ करी कॉर्नर। देखिए हमारे बजट में क्या क्या आता है, भैया मेन्यू दीजिएगा। अच्छा ये रखा है, थैंक यू। इसमें तो सब नॉन वेज दिख रहा है, वेजिटेरियन में क्या क्या है? दाल है, हाँ मटर पनीर है, मलाई अच्छा कोफ्ता है। अच्छा दाल और पनीर तो सही है, आपके पास गोभी मटर मिलेगा? गोभी मटर, गोभी मटर नहीं है आपके पास? तो एक रिक्वेस्ट है पूरी करेंगे, देखो भैया करेंगे ना पूरी, बताइए बताए। ये जो गोभी है ना हम अंकल के फार्म से फ्रेश तोड़ के लाए हैं, बहुत ही मुलायम और बढ़िया है, इसका मुझे गोभी मटर बना दोगे क्या? क्या 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 भैया रिक्वेस्ट है, बना दो गोभी मटर प्लीज, फ्राई करना अच्छे से तड़के। क्या मतलब? अरे भैया सॉरी बट ये प्लीज बना दो ना, बाकी दाल और पनीर भी लूंगी, इसको बना देना ना प्लीज, थैंक यू। चलिए चलिए अब अंदर चल के डिनर करते आ जाओ। सो गाइस खाना हमारा लग चुका है, देखो क्या क्या मिला है हमें, देखो देखो ये है गोभी मसाला, मटर डालेंगे नहीं? हाँ मटर डाले भाई, और ये है कढ़ाई पनीर, ये है दाल तड़का, और साथ ही में ये है खमीरी रोटी, कितनी बढ़िया ना, ये खा के तो सच्ची पेट भर जाएगा आज मेरा। और साथ में भाई हमको मिले हैं यहाँ गर्मा गर्म गुलाब जामुन, आई एम गेटिंग सो टेम्पटेड, बट अभी इसका टाइम है, पहले हम खाएंगे ये खमीरी रोटी। क्या खाऊँ, गोभी मंगाई थी, गोभी खाऊंगी, खेत की गोभी है फ्रेश होगी। क्या गजब गोभी बनाई है, मैं इनको जरूर बोलूंगी कि आप ये मेन्यू में मसालेदार है, आप ये मेन्यू में जरूर रखिए। इट्स डिजर्ट टाइम गाइस, और भाई मैं खाने वाली हूँ ये गर्मा गर्म गुलाब जामुन, देखो देखो कितने टेम्पटिंग है ना, ओह सच्ची गर्म बहुत है। मुंह ना जल जाए, गाइस बहुत ही सॉफ्ट है, अरे वाह तीनों खा जाऊंगी मैं, भूख बहुत लग रही थी ना सुबह से। भैया आपके खाने में तो बहुत स्वाद था, वैसे बिल कितना हुआ? 210 रुपए। क्या 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 210 रुपए? अच्छा पर हमारे पास तो सिर्फ ये
10 रुपए ही हैं। क्या 10 रुपए? ये भी आप ही रख लो। भैया कहीं आप हमसे बर्तन तो नहीं धुलवाओगे? मैंने ना अक्सर पिक्चरों में देखा है कि अगर आप खाने का बिल नहीं भरो ना तो ओनर जो है बर्तन धुलवाते हैं किचन में। आप ऐसा तो नहीं करोगे ना? नहीं ऐसा नहीं करेंगे। ये भैया कितने स्वीट है, मुझसे बर्तन नहीं धुलवाएंगे और तो और मेरे 10 रुपए भी नहीं लिए। गाइस ये मैं कर सकती हूँ, आप भी कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट है ना मेरे फैमिली फ्रेंड का है, पर यहाँ का खाना बहुत स्वाद है। जब कभी आप भी जयपुर में हो ना यहाँ खाना खाने जरूर आना। चलो भाई अब ये चैलेंज, क्योंकि मैं हार गई हूँ इसलिए नहीं कि बिल ज्यादा था, बल्कि इसलिए क्योंकि अभी भी पूरे 10 रुपए मेरे पास बचे हुए हैं। तो सी यू ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे। और भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। बाय।